हेलो, क्या हाल चाल? यहाँ पे है गोल्डी। पता तो हम लोग इंडक्शन पे चाय बना रहे हैं। नहीं क्या झटका पड़ा है इसको अचानक से इंडक्शन पे बनाने का। मेरा क्या? नहीं आपसे मेरा वो खराब हो जाएगा, नहीं होएगा, स्क्रैच आएगा मेरा। नहीं आएगा। तो हम लोग अम्मा और को यहाँ पे इंडक्शन मम्मा भेजे है। हैं। हाँ तो हम लोग अम्मा को इंडक्शन कुकर भेजे सेम वाला। तो अम्मा को सिखा रहे थे, बाबा को सिखा रहे थे कि ये कैसे वाला इसको है। ऑन करते, कैसे स्टार्ट करते। तो हम लोग सोचे कि हम भी इंडक्शन पे यार चाय पी लेते हैं। प्रेस्टीज। तो हम लोग सोचे कि इसी पे, हाँ सेम ऐसा। तो हम लोग सोचे कि हम भी इंडक्शन पे चाय पी लेते, बहुत साल हो इतनी गए। छोटी है ना, मेरे को हाथ एकदम नीचे करना पड़ेगा, क्या झुकना पड़ेगा आपको। ये इसको इसको प्यार से नफरत है, इसको मैं किसी भी नहीं ले सकती। इतना जो चाय लिप पीती बम हूँ लगाती इधर चिपचिपा हो जाता है लिप भाई। बाम नहीं है। चीक इतना रफ रफ नहीं है, जो चाय पत्ती दूध और चीनी दो। चाय तुम बना रही हो, मैं क्यों मदद करूं? थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ। परफेक्ट है, इतने पे जल्दी बन तो जाएगा। 1100 तुरंत हो जाएगा। सो चाय पत्ती चीनी लाओ, मैं क्यों दूध लाऊं? लाओ। दे रही हूँ ना, नहीं हाँ तो मैं फिर से तो वही वाला काजू किशमिश दे दूंगी। काजू किशमिश पता है? मैं काजू किशमिश कैसा दी? चीटी वाला, मेरे को मारने की साजिश। नाचते हो, उसमें चीटी था भाई, मतलब मैं खा चीटी था नहीं, चीटी थी, चीटी इज फीमेल, तुमको कैसे पता कि चीटी चीटी इज वो वाला फीमेल, पर्टिकुलर चीटी फीमेल थी कि मेल थी? वो चीटी हर नहीं हर एक था। अंशु कॉलोनी में, हर एक कॉलोनी में एक क्वीन रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे क्वीन हो। वो चीटी नहीं थी, वो कीड़ा था। जो भी खराब मेरे को चीटी दिखी, मैं चीटी बोलूंगा। खराब खाने का कीड़ा। आई डोंट केयर, उसने भी एडमिट किया, खराब खाना दिया। मैं खाया, मैं देखा उधर चीटी है इसके अंदर, वो जो मुझे फेंका आया ना, अत्याचार हो रहे हैं। उससे मेरे को याद आया, सब कुछ मुंबई के नाम पर ही करती है। अभी कुछ कुछ दिनों के बाद पता चला कि बाथरूम जा रही और बोलेगी मैं अभी बाथरूम जा रही हूँ अकेले, क्या पता मुंबई में बाथरूम जाना पड़े। अरे क्या मतलब तुम ये उस पे, नहीं, तुम हरे जो आजकल जो भी कर रही हो उसमें मुंबई का धब्बा डाल दे रही हो। अभी ये कंफर्म नहीं है ना कि कुछ दिनों में बाथरूम पे भी मुंबई का ही धब्बा डाल दो। मुंबई के नाम पे अब शैम्पू भी कर रही है। बोला ना अभी बाथरूम दूर नहीं है। कुछ दिनों के बाद आएगा कि मैं इस ढंग से सांस ले रही हूँ ताकि मैं मुंबई में सांस ले सकूं। बाबा हाँ, तुम्हें को फिर से इन लोगों ने टोक दिया। मैं कह रहा था ये लो तुम करो दिखाओ, तब तक मैं इन लोगों से बात कॉल करता हूँ। लगा चुके हो हाँ, ओह माय गॉड, बाल वाल सेट हो रहे हैं बातें करने के लिए। हाँ तुम्हें कहा था मेरा है ना कॉलेज से आया है मेरे इसके लिए फेयरवेल के लिए 12th के। उस पे बैकग्राउंड में तो है फूल बना हुआ, पर शब्द ऐसे लिखे रहा कि ऐसे लग रहा है जैसे गला दबाने का मर्डर का थ्रेट दे रहे हो। फूल देख के मर्डर की बात कर रहे बेसिकली, समझो। अगर इतने धमकी भरे शब्द है, प्यार से वो भी लिखे धमकी भरे, अगर अगर आपको आना है तो फुल पहन के आए, नहीं तो हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। टाई होना चाहिए, फॉर्मल शूज, ऐसे कैजुअल शूज नहीं। अगर कैजुअल शूज दिखा तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। बच्चे का बड़े बाल दिखे तो हम घर भेज देंगे। सीधा ऐसे सीधा लिख दो ना कि हम इनवाइट कर रहे, फुल फॉर्मल में आना है, नॉन फॉर्मल नॉट अलाउड। ऐसे लिख दो ना, ऐसे स्पेसिफाई कर, लड़की अगर ढंग से ड्रेस पहन के नहीं आए या फिर हम लोगों को कुछ भी स्टैंडर्ड में दिखा तो हम आपको घर भेज देंगे।
मतलब भाई शांति से आने दो, खाने दो, लेके जाने दो, हर चीज में ये अच्छा नहीं लगा तो घर भेज दे, तो हम आ क्यों रहे हैं? एक तो खाने को सिर्फ जा रहा हूँ मैं उधर, अजीब लग रही हो इस बार का पड़ी हो तो चाय उबलने लगी। अब देखिए, अब आप जब माइनस की जगह देखिए, ये 1100 पे था, मैं अभी इसको इसका स्पीड देखिए, अब मैं इसको लिमिट पे डालूंगी 100, तो ये कम होने लगेगा इसका बॉइल, तो जितना बढ़ाइएगा उतना स्पीड से ये बॉइल होगा। हाँ, तुम नहीं पढ़ी हो ना इस बार का इनविटेशन, तुम नहीं पढ़ी हो ना गोल्डी इस बार का इनविटेशन, पढ़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है सिर्फ कूल दे के गला दबा रहा है, सीरियसली 10th का 10th के हाईएस्ट 1200 है और लोएस्ट 100। तो मैं कह रहा था कि हम लोग का 10th का कैसा था, एकदम प्यार से लिखा हुआ था उसमें, आइए फॉर्मल ड्रेस इज ओनली अलाउड इन फॉर्मल ड्रेस नॉट अलाउड, नहीं मैं गेट पे आऊंगा, मैं बोलूंगा कौन है ये, आई डोंट नो हु इज शी, सीता एंट्री ही नहीं, अगर ये आ गई ना तो बोलूंगा मैं जानता ही नहीं हूँ इस लड़की को। अभी चाय जब बन गया है तो आपको ये जो ऑन ऑफ का बटन है ना उस पे क्लिक करना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आप इसको छान लीजिए, आपका टेस्टी टेस्टी चाय तैयार है। कहा इतना छोटा सा, देखो वो लस्सी की गिलास से पीना चाहिए ना दूध, नहीं हाथी नहीं हो, लस्सी की गिलास, लस्सी की गिलास से पीने का स्वाद ही अलग आता है, मजा आता है लस्सी की गिलास से पीने। चाय बन के तैयार है, ये वाला प्रेस्टीज का है हमारा, बहुत पुराना वाला, इससे इससे नया मॉडल आ गया होगा तब तो। मेरे जैसा चाय बनाओगे तो सब आपके आपके घर आने लगेंगे सिर्फ चाय पीने के लिए, तब कोई नहीं बनाएगा, जो आपसे प्यार से बात भी नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, वो भी आने लगेंगे। मैं सच्चाई बताता हूँ, अगर आप चाहते कि कोई एक बंदा एक बार आए दोबारा कभी ना आए, गोल्डी के तरीके से चाय बना के पिला दो, फिर कभी आएगा ही नहीं वो चाय पीने, तो तुम्हारा चाय कभी कभी अच्छा बनता है गोल्डी, सच कह रहा हूँ, तुम्हारा चाय हमेशा अच्छा नहीं बनता है। उधर मम्मा भी अपना बात कर रही है छोटी चाची से, कैसे चाची से, मेरा ये वाला होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ये मम्मा का, ये गोल्डी का क्योंकि गोल्डी पी चुकी है। हाँ ये काम नहीं किया तो फिर घर से बर्तन खंगालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ये सब करना जरूरी है। हाँ, सिर्फ चाय बनाना जरूरी नहीं है। यस यस, नहीं तो आप अभी चाय पत्ती जैसे